आखिर चीन के बाद जापान ने भी मस्जिदों को तोड़ा, मचने लगी भयंकर तबाही। क्या इस्लामी कट्टरता से बाज आ चुका है जापान? दरअसल दोस्तों, बीते हाल ही के दिनों जापान में रिलीजन को लेकर काफी ज्यादा सनसनी देखने को मिल रही है। बीते कुछ सालों में जापान के अंदर मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यह जापानी लोगों के लिए सर दर्द बन चुके हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब जापान के लोग मुस्लिम धर्म को अपने देश से निकालना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अब जापान की गवर्नमेंट जापान में मस्जिदों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुकी है, जिससे जापान में धार्मिक तनाव भी बीते दिनों देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक मुस्लिम शख्स जापान के धार्मिक स्थल में घुस गया और चिल्लाने लगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और वो है अल्लाह, और इसी तरह से यह शख्स अल्लाह के नारे लगाने लगाया। इसके बाद क्या हुआ और आखिर क्यों ये मुस्लिम शख्स इस तरह के नारे लगा रहा था, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या वाकई जापान में इस्लाम का अंत होने वाला है, आखिर जापान में मस्जिदों को डिस्ट्रॉय करने का क्या पर्पज है। आपको सब कुछ बताएंगे, बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, भारत को छोड़ दें तो दुनिया में जहां जहां मुस्लिम लोग रहते हैं वहां की सरकार मुसलमानों को शक की नजरों से देखती है। दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म पिछले कुछ सालों से खतरे में है। इसका कारण है इस्लामिक कट्टरता और मुसलमानों का दूसरे धर्म के लोगों को भेला फुसला कर उनका माइंड वॉश करना और इस्लाम में कन्वर्ट कराना, जिससे ज्यादातर देश तेजी से हो रहे इस्लामीकरण से परेशान आ चुके हैं। और अब कई देशों में इस्लाम और मुसलमानों के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। उन्हीं में से एक है जापान। दोस्तों, जापान वो देश है जो अपने आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। वहां लंबे समय से मुसलमानों पर नजर रखी जा रही है। जापान अब मस्जिद मुक्त देश बनने के लिए कड़े कदम उठा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन ने उठाए हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले स्वीडन में इराक की एक शख्स ने शाही मस्जिद के सामने कुरान को जला दिया था। उसके बाद कई मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी स्वीडन में एक बार और कुरान को जलाने का मामला सामने आया। दोस्तों, ज्यादातर देशों में इस बात को माना जाता है कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान में दूसरे धर्म के लिए नफरत और बगावत लिखी गई है। मुसलमानों को आतंकवादी बनाए जाने के लिए यही किताब जिम्मेदार है। इसी वजह से कई देशों में कुरान को जलाने के कई मामले सामने आए। न सिर्फ स्वीडन बल्कि इटली में भी कुरान और नमाज पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। इटली के प्रधानमंत्री ने कुरान पढ़ने और नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। इसके अलावा नई मस्जिद के बनने पर भी रोक लगा दी गई है। इटली में बनी हर मस्जिद पर नजर रखी जा रही है और उनको मिलने वाले फंड पर भी नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, चीन में भी इस्लाम को लेकर सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। चीन में मुसलमानों की जंग सीधे सरकार से है। चीन में औरतों को बुर्का पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा चीन में मस्जिदों को तोड़कर उन पर शराब के ठेके और टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। चीन के मुसलमानों को चेंबर में बंद करके उनका माइंड वॉश किया जा रहा है और उन्हें नास्तिक बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन में रहने वाले हर मुसलमान चीन के प्रधानमंत्री की तारीफ करने और चीन की प्रशंसा करने के लिए भी प्रताड़ित किया जाता है। चीन में मुसलमानों की जो हालत है उस पर किसी मुस्लिम देश के बोलने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, दुनिया में 57 ऐसे देश है जहां मुस्लिम आबादी रहती है, जिनका राष्ट्रीय धर्म पहले इस्लाम है, मगर बावजूद इसके दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर कोई भी मुस्लिम देश कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। दोस्तों, दुनिया में ईसाई और इस्लाम दो ऐसे धर्म हैं जिसे मानने वाले लोग लगभग दुनिया के हर देश के कोने में मिल जाएंगे। इस्लाम को मानने वाले लोग दुनिया के कोने कोने में आपको जरूर मिल जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म होने के बावजूद इसके कई देश आज भी ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी तो है मगर कोई भी मस्जिद नहीं है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम आबादी नहीं रहती। इस्लाम का सबसे बड़ा अपवाद यही है। इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम को दुनिया के हर देश में पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो वहां के मूल लोगों का माइंड वॉश करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब दुनिया के ज्यादातर देशों ने इस्लाम के इस माइंडसेट को चेंज करने और अपने देश से इस्लाम को बाहर करने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जापान भी इन देशों में से एक है। जापान में रहने वाले 90% मुस्लिम आबादी बाहरी है, जो इंडोनेशियाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमान हैं। 10% मुसलमान जापान के मूल निवासी हैं। जापान में 18वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म आया। साल 1999 के बाद से इस्लाम जापान में तेजी से फैला। साल 2000 में जापान में रहने वाले मुसलमान की संख्या महज 20,000 थी। साल 2024 तक जापान में मुसलमानों की संख्या 2 लाख है।
इसका मतलब यह है कि जापान में इस्लाम का तेजी से विस्तार हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जापान में रहने वाले बाहरी मुसलमान कम्युनिटी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं। वो यहाँ की महिलाओं से शादी कर उनसे इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, जिसकी वजह से जापान में भारी मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। साल 1999 में जापान में महज 15 मस्जिदें थीं, लेकिन साल 2024 आते आते जापान में मस्जिदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। जापान में तेजी से बढ़ते इस्लाम को रोकने के लिए अब वहां की सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले एक मुस्लिम शख्स ने जापान के धार्मिक स्थल पर हमला कर दिया और यह कहना शुरू कर दिया कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है और वो अल्लाह है, उनके सिवा किसी की पूजा नहीं की जानी चाहिए। यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद जापान में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया। जापान में हर धर्म को मानने की आजादी दी जाती है, लेकिन इस्लाम में कट्टरता के चलते जापान भी इस्लाम से तंग आ चुका है और वो अपने देश में इस्लाम को बाहर फेंक देना चाहता है। साल 2010 में एक जापानी पुलिस रिपोर्ट लीक हो गई, जिसमें यह लिखा था कि जापान में रहने वाले मुसलमानों को शक की नजरों से देखा जाता है। उन पर जासूसी भी जापानी सरकार करा चुकी है। जापानी पुलिस की इस रिपोर्ट को और मुसलमानों की जासूसी को कोर्ट ने सही ठहराया था। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि जापान में रहने वाले मुसलमानों की हर एक एक्टिविटी पर वहां की पुलिस नजर रखती है, यहां तक कि उनके बैंक अकाउंट पर भी नजर रखी जाती है। न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि उन मस्जिदों और मस्जिदों के इमामों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। जापान की हर मस्जिद के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जापान में अब मस्जिद मुक्त देश अभियान शुरू हो चुका है और वहां की मस्जिदों को तोड़ा जाने लगा है। मस्जिदों को तोड़कर उन पर आश्रम बनाए जा रहे हैं। सरकार ने यह कदम उस वक्त उठाया जब जापान के एक आश्रम को तोड़कर वहां के मुसलमानों ने उसका गुंबद निकालकर उस पर मस्जिद बना दी, जिसके बाद जापान के लोकल लोगों ने इसकी शिकायत की और उस मस्जिद को तोड़ दिया। इस तरह साथ साथ जापान में बनी सभी मस्जिदों पर भी कार्यवाही की जा रही है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले लोगों का हमेशा यही तर्क रहा है कि इस्लाम सुकून और शांति का मजहब है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जहां जहां इस्लाम रहा है वहां वहां आतंकवाद रहा है और अशांति फैली है। दुनिया के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इस्लाम इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस्लामिक कट्टरता लोगों के लिए ठीक नहीं है। इस्लामिक कट्टरता ही इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते दुनिया के सभी मुसलमानों को प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। लेकिन जितनी धार्मिक आजादी भारत के रहने वाले हर धर्म को दी जाती है, उतनी किसी भी दूसरे देश में नहीं दी जाती। यही वजह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जापान में हो रहे इस कन्वर्जन को रोकने के लिए जापान ने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन सिर्फ जापान ही नहीं, आज दुनिया के ज्यादातर देश इस्लाम की कट्टरता को बाहर निकालना चाहते हैं। दुनिया में अगर इस्लाम को लेकर यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के कोने कोने से इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।